अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सिक्योरिटी की पूरी जांच करने के बाद ही किसी को अंदर भेजना, ठीक है? अलर्ट रहो। प्लीज पीछे रहिए, आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। हमें माँ के पास जाना है, छोड़िए हमें। विजय भारत दूत, 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 विजय भारत दूत। हमें सिर्फ माँ को देखने अस्पताल जाना है, हमें जाने दीजिए। वो रही बिंदिया भारद्वाज। विजय भारत दूत, 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 विजय भारत दूत। हमें जाने दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके, हमें अपनी माँ के पास जाना है, जाने दीजिए, एक बार मिलने दे दीजिए उनसे। चुपचाप बैठी रहो, जस साहब का ऑर्डर है इसलिए तुम्हें कहीं और लेकर जा रहे हैं, वरना फेंक देती इसी भीड़ के सामने। चलो बैठो अंदर। भैया जी, ये यहाँ पर क्यों आ गई? अरे हमको कहाँ पता, ये हम कहाँ करने आई है? माँ कैसी है? माँ खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से हमें माँ कहा तो अब यहाँ कहाँ करने आई है? तारी सारी सच्चाई तो हमारे सामने आ गई है ना। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इसकी वजह से हमारी जिंदगी में ऐसी हालत होगी। इसे हमारे सामने से लेकर चल, अल्लाह दूर ले जा हमारी नजर से। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुझे बेटी बनाना चाह, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। सच कहा है किसी ने कि खून का रिश्ता ही सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है। हम तो तुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप बैठे और तूने तो हमारा परिवार ही उजाड़ दिया। दूर ले जा इसे हमारी नजर से, दूर ले जा। बस गई। अम्मा, अम्मा, लल्ला,
इसे हमारी नजर के सामने से दूर लेकर जा। हम ना चाहते कि बिंदी कभी भी हमारे घर हमारे परिवार में हमारी हमारी जिंदगी में कभी भी नजर आए। हम बस चाहते यही है कि इसे इसकी किए की सजा मिले। माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? माँ, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। अपनी बात तो सुन लीजिए एक बार। बस करो बिंदिया, माँ की हालत खराब हो रही है, तुम बाहर चलो। माँ, चलो चलो मेरे साथ। माँ, माँ, बंद करो ये खेल बिंदिया। जब तुम मान चुकी हो कि सबको तुमने किया है, तो अब यहाँ आकर माँ को क्या बताना चाहती हो? अगर तुम्हारे खिलाफ जो सबूत है झूठे हैं, तो मुझे बोलो, मैं ढूंढ लूंगा सच। हम आपसे कुछ नहीं कह सकते अभय जी, हम नहीं बता सकते अपना सच। वो रही बिंदिया भरद्वाज, 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 रुक जाओ। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, ये कानून की गुनहगार है और उसकी गुनाहों की सजा कानून देगा। आप में से किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। पीछे हटो, पीछे हटो, चलो कोई आ गया। चलो सर, चलो सब को जान दो, हो जाओ। बोलो सर, आपने मेघा को गिरफ्तार करने के लिए कहा था, लेकिन जब हम यहाँ आए वो नहीं थी। सर जारी रखो। जी सर। साले साहब, हमें तो लगता है बिंदिया ने ही मेघा को गायब कर दिया है। अरे हम अस्पताल में कब से जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन मेघा मिल ही नहीं रही है। बिंदिया मेघा कहाँ है? मेघा कहाँ है बिंदिया? मैंने पूछा मेघा कहाँ है? मेघा कहाँ है? वो
बोलो मुझे मेघा कहाँ है? बोलो सर, हमें इनको ले जाने का आदेश मिला है। इनके यहाँ होने से दंगा भड़कने की संभावना है। ठीक है सर, मैं इनको पीछे के रास्ते से लेके जाता हूँ। आइए मैम। की जिंदगी नहीं जिएंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं बोलते। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? माँ शांत हो जाओ। माँ माँ सब ठीक हो जाएगा। माँ 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 यानी हमारी जिंदगी बर्बाद करती लल्ला। हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। देखिए मैडम, बाहर का माहौल नाजुक है, हिंसा की वारदात हो सकती है, इसीलिए आपको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। आप घर में रह सकती हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकती। बाहर पुलिस सिक्योरिटी है, जब तक आपके ऊपर केस चल रहा है आपको बाहर जाना होगा तो अनुमति लेनी होगी। ठीक है मैम, चलो।
दीदी बोलो दीदी। बिंदिया बिंदिया नहीं नहीं बिंदिया ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। बिंदिया ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। बिंदिया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। दीप क्या हुआ लल्ला? नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ कुछ भी नहीं बाबू, बस अभी आप जरा माँ के साथ रहना, ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, इस घर को मत तोड़िए, सब सच सच बता दीजिए, वरना आप तक जो कुछ भी बनाया है सब बिगड़ जाएगा। ये क्या कर रही है दीदी? ये मिट्टी का तेल है। छोड़ो भैया, अरे वो जल जाएगी, उनके ऊपर तेल गिरा हुआ है, तुम जलाओगे क्या उनको?
अरे वो जल जाएगी, मर जाएगी, छोड़ो छोड़ो बिंदिया, बिंदिया जल जाएगी वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अबे अच्छा हो तुम आ गए, देखो ना बिंदिया ने हम लोग के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया, और ये जो मशाल है ना इससे हम लोग को जलाने वाली थी ये। अरे अभय बेटा, इसका औरत होने का हम लिहाज कर रहे हैं, वरना हम भी सबक सिखा सकते हैं। इसे कहो यहां से चली जाए फौरन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की बिंदिया? नहीं अब जी, ये सब हमने नहीं किया, ये सब इन लोगों की चाल है। खुद ने किया है, हमने नहीं किया कुछ भी। वाह वाह वाह, अरे झूठ बोलने में तुझे कितनी माहिर है हम सब जानते हैं कि नहीं? नहीं अभय जी, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं।